हर महीने प्यूबर्टी के बाद जब मेंसेस शुरू होते हैं तो हर महीने एक एग निकलता है, वो एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वो कंसीव कर लेती है। जो एग होता है उसका लाइफ स्पेन 12 से 24 घंटे तक होता है। हेलो, आई एम डॉक्टर निशी फ्रॉम प्राइम IVF सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल कैसे प्रेग्नेंट होएं। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मैडम हमारी शादी को अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, हम इतनी जल्दी IVF में नहीं जाना चाहते और अभी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, कौन सा टाइम है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, या वो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। उसी के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन से वो डेज हैं जब आप आपस में इंटरकोर्स करेंगे या मिलेंगे तो बेबी हो सकता है। तो जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, पता चलता है कि उनकी शादी को तो अभी 1 ही साल 6 मंथ या वो बेबी के लिए बहुत कंसीव करने के लिए उत्सुक है, तो हम सबसे पहले उनका साइकिल डेज जानना चाहते हैं कि वो 22 दिन का है, 25 दिन का है, 30 दिन का है। हर पीरियड्स उनके अगर रेगुलर हैं तो उनको हम गाइड करते हैं कि वो किन दिनों में अगर आपस में मिलेंगे तो कंसीव कर पाएंगे। जब भी लेडी बर्थ लेती है तो उसके जन्म के समय 2 मिलियंस तक एग होते हैं। इसके बाद जब वो प्यूबर्टी में आती है तो 40,000 तक एग उसकी ओवरी में होते हैं। हर महीने प्यूबर्टी के बाद जब मेंसेस शुरू होते हैं तो हर महीने एक एग निकलता है, वो एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वो कंसीव कर लेती है। जो एग होता है उसका लाइफ स्पेन 12 से 24 घंटे तक होता है। उस समय उसको स्पर्म मिलना चाहिए। स्पर्म जो होता है वीर्य में शुक्राणु जो होता है उसका लाइफ स्पेन 72 आवर्स 3 to 5 डेज तक का होता है। सबसे पहले हमें सारे उनके टेस्ट रूल आउट करने चाहिए कि सब कुछ सही है। तो इसके बाद हमें उन्हें बताना चाहिए कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर 16वें दिन तक उन्हें एक या एक दिन छोड़कर मिलना है, ताकि जो एग है वो जब भी निकले तो अगर स्पर्म होगा वहाँ तो उनके फर्टिलाइजेशन के चांस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो वो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं अगर उनको अदर प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो। तो ये जो है मिड साइकिल जिसको बोलते हैं उसको ओवुलेशन पीरियड भी बोलते हैं। मेनली 12, 14, 16 ये पीरियड के 12वें दिन, 14वें दिन या 16वें दिन इस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह मैं उनको ये गाइड करना चाहूँगी कि वो मिड साइकिल में आपस में साथ रहें 10 से 16 दिन तक, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन मिलें, और वो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोर देन 20% चांस हैं कि वो कंसीव कर लें नेचुरली। इसके अलावा अगर वो 6 मंथ तक या 1 साल तक साथ रहते हैं फिर भी कंसीव नहीं कर पाते तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी आगे की जांच कराना चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि मेल और फीमेल में अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली तो उनको क्या क्या जांच करानी चाहिए। धन्यवाद।